77वें स्वतंत्रता दिन पे शहर के पंचायत समिति में आगर विद्या भवन के स्कूल के बच्चों ने आज के दौर की शिक्षा साथ माध्यम पे पथनाट्य सादर किया। आगर का विद्या भवन कडून सुंदर असं पथनाट्य शिक्षा व्यवस्थेवर सादर केले गेलं आहे। त्यावेळेस आपण काही विद्यार्थ्यांकडूनही बातचीत करू। मुझे पता है आपने पटना से सादर किया, बहुत अच्छे तरीके से सादर किया है। इसके बारे में क्या प्रेरणा रही और आपको क्या मेहनत करनी पड़ी? हमने आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे इस नाट्य को सादर किया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो ऐसा इतना ये हो जाए हमारी इंडिया में कि बाकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको बाहर देशों में ना नौकरी करने के लिए जा ना सके, हमारे इंडिया में उनको नौकरी की व्यवस्था मिल सके। इस पथनाट्य के लिए किसने किसने आपको प्रेरणा दी और किसने कितने मेहनत की? इस पथनाट्य के लिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर पूनम मिस गोपाल सर, इन्होंने हमारे साथ दिया। स्कूल विद्यार्थ्यांकडून ही आपण याची प्रतिक्रिया जाणून घेतलेली आहे। सुंदर असं पथनाट्य यांनी सादर केलं होतं आणि सहकार्य जे आहे शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सगळं लाभलाय असं प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांकडून भेटली। आजच्या युगात शिक्षण प्रणाली कशी असावी याबद्दल आगरकर विद्याभवन या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी खूप सुंदर असं पथनाट्य पंचायत समिती येथील प्रांगणात आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्त जे आहे सादर केलं, त्यावेळेस ते पथनाट्य यानी बतौल है क्या शिक्षकों से आपन बातचीत करना रहा। मैम बताइए आपको ये जो टॉपिक है ये कैसा याद आया और इस प्रकार का जो आज का पटना के बहुत तरीके से सुंदर तरीके से तैयार किया गया है उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी इसको कवर करने के लिए और सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी इसे परफॉर्म करने के लिए। ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि डिजिटल रिवॉल्यूशन की आज बहुत ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं समझ में आता है, जब वो लोग डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करके उसको पढ़ाई करते हैं तब उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ पाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो वीडियोज में दिखते हैं उससे समझ में आता है, तो वही चीज़ हम उन्हें बताना चाहते थे। और एग्जाम्पल हमारे कुछ बच्चे ऐसे जिनको डीजे आजे बनना है या फिर गेमर बनना है, बट उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है क्योंकि स्कूल में हमें सिर्फ एक ही चीज़ें बताई जाती है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। उन्हें ये सारे प्रोफेशन के बारे में कभी बताया ही नहीं गया, इसलिए उनका टैलेंट कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाता है। तो हम यही बताना चाहते थे कि अगर हमारे बच्चों को ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो वो ज़रूर इसको निखार ला सके, स्कूल में ही इसे निखार। आपने बहुत बेहतरीन एक पथनाट्य सादर किया है, इस पथनाट्य को और आप कहाँ कहाँ सादर करने वाले हैं बताइए जनता के लिए। अभी तो फिलहाल हमने यहाँ सादर किया है, कल हमने अम्बेडकर चौक और कारंजा चौक पर सादर किया था, अभी हम इसको प्लान करेंगे और कार्यक्रम में सादर करने का। इसके बाद का नया टॉपिक क्या रहेगा आपका? इसके बाद का नया टॉपिक भी हम किसी सोशल कॉज को लेकर ही करेंगे, अभी तो हमने उस बारे में विचार नहीं किया, बट किसी सोशल कॉज को लेकर ही करना चाहेंगे ताकि हमारे बच्चे दूसरों को जागरूक कर सके इस बारे में। पंचायत समिति सभा प्रांगणात आगरकर विद्याभवन कडून सुंदर असं पथनाट्य शिक्षण आणि शिक्षक जे शिक्षा जे थोपल्या जाते त्यावर सुंदर असं पथनाट्य सादरीकरण केलं गेलं आहे। त्याबद्दल त्या जे पथनाट्य ज्यांनी बसवले होतं किंवा जे ज्याची पती ज्यांनी केली होती त्यांच्याकडून आपण बातचीत केलेली आहे।